Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the most important topics of business law और इसमें unit है 1st to 5th second semester की बात कर रही हूँ मैं। इससे पहले एक lecture video मैं आप लोगों को already provide कर चुकी हूँ business law का, जिसमें हमने first topic discuss किया था। आज हम लोग second topic discuss करेंगे इसका, that is offer and acceptance। तो ये है आपका सिलेबस। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें से क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब डिस्कस किए थे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट लेक्चर वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप लोगों को अब तक वो देखा नहीं है। स्टार्ट करते हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस से। तो अगर आप लोगों को पता हो कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जनरली में बोला जाए तो जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी काम को करने का या किसी काम को ना करने का एक प्रपोजल देती है तो उसको हम ऑफ़र कहते हैं। सबसे पहले इसका सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 2A डिफाइन एन ऑफ़र अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन, एक पर्सन जो कि दूसरे पर्सन को कह रहा है कि ये काम या तो करो या तो उसको मत करो। किसी काम को करने का या ना करने का जब प्रपोजल दिया जाता है तो उसको ऑफर कहते हैं। अच्छा, ऑफर के अंदर जो पर्सन उसको करता है, जैसे मैं आप लोगों को एक ऑफर दे रही हूँ कि पढ़ाई करनी शुरू कर दो, तो उसके बेसिस पे आपको, आप मुझे उसके बदले में फीस पे करोगे और मैं आपको स्टडी ऑफर करूंगी, तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आगे जाके अगर हम एग्रीमेंट और उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जो पार्टी आपको एक प्रपोजल दे रही है कि आप स्टडी करो, मुझे फीस चाहिए, तो जो स्टडी का ऑफर मैं आपको दे रही हूँ तो ये हो गई, मैं हो गई आपकी प्रॉमिसर, और जिसको दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ, तो ये हो गया आपका प्रॉमिसी या ऑफरी। मतलब दो पार्टीज हो गई ऑफर के अंदर, ऑफर कंटेंस ऑफ टू पार्टीज, दैट इज ऑफरर या बोल दो प्रॉमिसर, एक हो गई ऑफरी या तो हो गई प्रॉमिसी। तो इसके अंदर दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट आती है। यहाँ पे लिखा है एन ऑफर में रिक्वायर अ यूनिलैटरल एक्ट। यूनिलैटरल एक्ट मीन्स एक पार्टी जो करती है, और बायलैटरल एक्ट मीन्स जो दोनों पार्टी के प्रपोजल के हिसाब से किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होंगी, लेकिन एटलीस्ट टू पार्टीज होनी यहाँ पे ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो मुझे टू पार्ट्स मिले, क्या क्या, एक तो प्रॉमिसर होगा, प्रॉमिस किया जाएगा जो कि ऑफरर करेगा, और उसके बदले में रिटर्न में भी वो कुछ ना कुछ मांगेगा जिसको हम कंसिड्रेशन कहते हैं। अगर मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको 1 आवर की स्टडी का एक कोर्स कंप्लीट दूंगी और आप मुझे उसके बदले में फीस दो, तो ये जो फीस मुझे मिल रही है दैट इज कंसिडरेशन, और आप उस चीज पे एग्री कर गए कि मैम हाँ हम लोग रेडी हैं, तो वो हो गई आपकी ऑफर की एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, आगे क्या क्या पॉइंट्स बोल रखे हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल ये आ गया। फिर यहाँ पे कुछ ऑफर को हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो मैंने आपको नॉर्मल ऑफर बोला, और एक डिफरेंस होता है मेयर इनविटेशन टू एन ऑफर। दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। इनविटेशन टू ऑफर में ना जस्टिफिकेशन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक शॉप पे गई, एक शॉप पे ना एक डमी टंगा हुआ था, मैं बनाऊंगी नहीं, ये डमी मान लो, तो डमी टंगा हुआ था और डमी था और उस पर एक ड्रेस, बहुत प्रीटी सी ड्रेस थी। अब मैंने उस शॉपकीपर से जाके बोला कि क्या ये ड्रेस आप, मतलब उन्होंने 2000 का टैग इस ड्रेस पे डाल रखा था। अब मैंने उनसे जाके पूछा क्या ये ड्रेस 2000 में आप मुझे मतलब देने के लिए तैयार हो, मैं 2000 पे करूँगी, तो क्या उस जो डमी पे जो प्राइस टैग था वो क्या एक ऑफर था बच्चों? नहीं, वो एक ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अब मैंने उनको जाके ऑफर दिया है 2000 का, अब उनकी मर्जी है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये डिफरेंस होता है इनविटेशन टू ऑफर में और एक ऑफर में। ऑफर का मतलब एक फिक्स्ड होता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में मना भी हो सकती है। वो जो शॉपकीपर है या जो
प्रॉमिसी है वो उस चीज़ के लिए मना भी कर सकता है, प्रॉमिसर। चलो आगे समझते हैं कि ये कहने का मेरा मतलब क्या था, इसको समझना, इसमें साफ लिखा होगा। देखो इसको पढ़ते हैं कुछ लाइंस। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर ने गुड्स को डिस्प्ले किया एक शॉप पे जिसपे एक प्राइस टैग लगा हुआ था हर एक आर्टिकल का। दिस इज ओनली एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, क्योंकि अभी मैं उनके पास जाऊंगी और मैं कहूंगी क्या ये ड्रेस मुझे इतने की मिल सकती है। तो ये हो गया आपका इन्विटेशन टू ऑफर, और इन्विटेशन टू ऑफर के बाद एक ऑफर आता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने उनसे पूछा क्या ये ड्रेस 2000 की है, ये भी अगर मैं एक इंटेंशन कर रही हूँ तब भी ये ऑफर नहीं होगा, ये इन्विटेशन टू ऑफर होगा। द शॉपकीपर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू सेल, अब वो मतलब कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर कि वो मुझे सेल करे, वो मुझे सेल भी कर सकता है और मुझे डिनाई भी कर सकता है उसके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का क्या मतलब होता है, जब एक पर्सन डिक्लेयर करता है दैट ही हैज द इंटेंशन टू डू समथिंग डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। मेरा मन है किसी काम को करने का तो ये ऑफर नहीं है। एग्जाम्पल समझना क्या कह रहे हैं, कि टी ने एक कन्वर्जेशन में बोला डब्लू को कि वो 1000 देगा किसी भी पर्सन को हु मैरिड हिज डॉटर, वो उनकी बेटी से शादी करेगा उनकी मर्जी से। डब्लू ने टी की डॉटर को, वो ऑफर नहीं था बच्चों, वो एक नॉर्मल कन्वर्जेशन थी, एक नॉर्मल स्टेटमेंट थी। टी ने डॉटर से शादी कर ली, डब्लू मैरिड टीज डॉटर, टी की डॉटर से शादी कर ली डब्लू ने, और देयर आफ्टर टी ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा 1000 रुपये। तो ये एक ऑफर नहीं था, ये एक इंटेंशन थी कि ऐसा मैं करूँगा। अब ये करा है नहीं करा वो एक अलग बात है। तो ऑफर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो प्रस्पेक्टिव पे। अभी मैंने डिस्कस किया एक इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, और एक मेयर स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट थी ना कि एक ऑफर। अच्छा अगर मैं कहूँ कि एक ऑफर वैलिड कब माना जाएगा, कब मैं मानूँ कि ये ऑफर है, चलो अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट पे आ गए, फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या बोला गया है, द ऑफर मस्ट डिस्क्लोज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जहाँ पे लीगल मींस लॉ की नज़रों में ये वैलिड है, जैसे मान लो मैंने इनवाइट किया अपनी फ्रेंड को कि आप, इनविटेशन है कि आप डिनर पे आओ, तो क्या ये एक ऑफर है? नहीं, बिल्कुल एक ऑफर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच नहीं है। तो क्यों? क्योंकि एक प्रोसीजर होता है बच्चों, ऑफर, ऑफर के बाद इनविटेशन, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्ट जब कर लिया जाता है एक ऑफर कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट आता है, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, ऑफर इज लीगली कनेक्टेड विद कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें लीगल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन एंड नॉट इनडेफिनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ना कुछ रुपए आपको दे दूंगा, समथिंग अमाउंट मैं आपको दे दूंगी, सम अमाउंट मैं आपको दे दूंगी। अब इसमें सम अमाउंट कौन सी अमाउंट है, 1000 दोगे, 2000 दोगे, या मैं इतने के लिए चाहिए। अब मान लो मैंने ए को बोला, एक पर्सन है, ए के पास 4 कार है, 4 कार्स हैं इसके पास। मैंने बोला भाई ए मुझे ना एक कार दे देना अपनी, ऑफर दिया कि मैं ना तुम्हारी एक कार 1 लाख का खरीदने के लिए तैयार हूँ, ये मैंने ऑफर दिया। मैं बी हूँ, मैंने ए को, पर्सन को दिया, ऑफर दिया कि मैं एक कार 1 लाख की खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब भाई वो कंफ्यूज, अरे भाई मेरे पास 4 कार है, अब इस 4 कार में से कौन सी कार, तो ये क्या हो गया, क्लियर नहीं हुआ, सर्टेन नहीं हुआ, इनडेफिनेट होना चाहिए, लॉस और एम्बिगस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। चलो दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, अगर आगे मैं आपको डिस्कस कराऊं तो नेक्स्ट में थर्ड में बोल रखा है ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ऐसा भी हो सकता है कि ऑफर मैं पूरी पब्लिक को दूं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस पे लिखा होता है ना, प्रोस्पेक्टस पे कंपनी के, कि हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं। ये क्या है, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है बच्चों,
जब मैं रेडी हो जाती हूँ कि मैं 1,000 शेयर्स को परचेज करूंगी, तब वो एक ऑफर बनता है, तो प्रोस्पेक्टस पे होता है, तो वो आम जनता के लिए है। आम जनता के लिए जो होता है वो जनरल होता है। और सपोज ए ने बी को ही बोला कि भाई मैं तेरी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि ये ए और बी दोनों की है। और ए ने बोला भाई जो मेरा इसका बैग लॉस्ट हो गया है, मेरा जो बैग मेरा लाके देगा ना उसको मैं 2,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या हो गया, एक जनरल ऑफर हो गया। ये इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऑफर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो क्या क्या बोल रखी है चीज़ें, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखो क्या होता है, जब लॉ के प्रस्पेक्टिव से पढ़ा जाता है ना, मीन्स सीए सीएस वाले जब बच्चे पढ़ते हैं इसको, तो वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो केस स्टडीज होती है, केसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग एक बार गो थ्रू करना, अगर कोई डाउट हो आप लोग पूछ लेना, अदरवाइज आप लोग इतना डिटेल में नहीं जाओगे ना तो भी बात बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस कैसे, जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने बोला, ए ने बोला बी को दैट ही इज विलिंग टू सेल हिम हिज कार, एक कार बेचने के लिए तैयार है, 10,000 की कार है, तो साफ साफ उसने बोला है। और एक इम्प्लाइड कौन ऑफर कौन सा हो गया, जब आप एक बस में ट्रेवल करते हो, तो ये एक नॉर्मल सी सिनेरियो है कि आपको उस बस का या मेट्रो कार जो पे है, कि जो रेंट है, जो फीस है, आप बोल सकते हो चार्जेस है, वो पे करने पड़ेंगे। फेयर, एग्जैक्ट वर्ड इज फेयर, फेयर पे करना पड़ेगा, तो वो इम्प्लाइड ऑफर है। तो समझ गए, ऑफर एक्सप्रेस भी होता है और ऑफर इम्प्लाइड भी होता है। अगर आगे मैं देखूँ तो इन्होंने बोला है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, जब तक सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि भाई मुझे ये ऑफर दिया गया है, तब तक वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो इसीलिए ऑफर को आप बताओ कि मैं वो परचेज करने चाहता हूँ, कार को परचेज करना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए वो ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए, 1,000, 2,000, 7,000, 5,000, जितनी भी प्राइजेस हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो ये एक करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑफर नहीं होगा। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑप्टेन द कंसेंट। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा आपका, तो इसको एक लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज, दूसरी पार्टीज को ऑफर तब व्यू होगा टू डिस्क्लोज द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। एक ऑफर तब सही से बनेगा जब वो दूसरी पार्टी को समझ आएगा। अ प्रपोजर कैन नॉट ऑल्सो डिक्टेट टर्म्स अंडर विच द ऑफर कैन बी रिफ्यूज, एट बेस्ट ही कैन ले डाउन द मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, जो एक्सेप्टेंस के मोड्स है ना वो भी क्लियर होने चाहिए, है ना। ये बोला गया ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट, कंसेंट के हिसाब से ऑफर को आप दूसरी पार्टी के हिसाब से भी चलोगे, सारी की सारी अपनी चीज़ें क्लियर करोगे कि भाई इतनी प्राइस है, ये वाली कार है, ब्लू वाली कार है, उसमें अगर उसमें भी वेरिएशन है तब भी। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल समझो, अ पर्सन कैन नॉट मेक सच एन ऑफर दैट इफ ही एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट अप टू रिसीव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मंडे तक आपने कुछ जवाब नहीं दिया मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, साइलेंस आपने साइलेंस करा मतलब आप एग्री हो इस चीज के लिए। तो इस तरीके का जो आपका ऑफर होना नहीं चाहिए कि अगर आपने हाँ नहीं, अगर आपने एग्री नहीं किया मतलब आप एग्री हो, मंडे तक का टाइम है, मंडे तक अगर आपने ना नहीं किया मतलब आपने हाँ कर दिया, तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर नहीं होना चाहिए। स्पेशल कंडीशन अटैच टू एन ऑफर मस्ट ऑल्सो भी कम्युनिकेटेड, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो पार्टी को तो वो भी आप बताओगे।
अगर वो नहीं बताओगे तो फिर वो सामने वाला पर्सन उससे रिलेटेड नहीं होगा। उसको एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करोगे, सारे पॉइंट्स क्लियर करोगे, एक नोटिस दोगे, रीजनेबल नोटिस, लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज का कोई इशू है तो वो क्लियर करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर बनता है तब। अच्छा, एक्सेप्टर वुड बी बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, एक्सेप्टर्स कब बाउंड हो जाता है? द एक्सेप्टर नो अबाउट द राइटिंग और प्रिंटिंग ऑन द टिकट, अगर टिकट की कोई बात है तो। ही ऑल्सो न्यू द राइटिंग और प्रिंटिंग ऑन द टिकट कंटेन कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस रिलेटेड है अगर उसको पता है, जो एक्सेप्टर है उसको पता है। कंडीशन मस्ट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर हैज़ ऑल्सो डन अ रीजनेबल सफिशियंट टू गिव द एक्सेप्टर, नोटिस दे चुका है उसकी टाइम्स रिलेटेड, ठीक है। कंडीशन मस्ट नॉट कंटेन इन अ वाउचर और रिसिप्ट, वाउचर और रिसिप्ट में नहीं होनी चाहिए। विल नॉट बाइंड द पर्सन रिसीविंग द वाउचर। आगे देखो, इसमें एक्सेप्टेंस आएगा तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेंडर क्या होता है? टेंडर इनवाइट करा जाता है, एक इनविटेशन होती है। अ पर्सन में इनवाइट टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस। अगर मैं कोई स्पेसिफिक गुड्स दे रही हूँ या सर्विस दे रही हूँ तो टेंडर डिक्लेयर किया जाता है उसके लिए। या तो उसके लिए एक सिंगल ऑफर होता है या तो स्टैंडिंग ओपन ऑफर होता है। डेफिनेट ऑफर कौन सा होगा? इफ अ टेंडर हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अ गुड और सर्विस इन अ स्पेसिफाइड क्वान्टिटीज। जब मैंने बोला मुझे 100 टन लोकल चाहिए, 100 टन की सप्लाई चाहिए एक्स से, वाई से, जेड से, ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेट ऑफर। और स्टैंडिंग ऑफर कौन सा होता है? जब ओपनली बताया जाता है। स्टैंडिंग ऑफर और ऑफर मे बी ऑफ द नेचर ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफर, लगातार एक के बाद एक, जैसे कि सप्लाई करते रहना गुड्स की, 10-10 kg गुड्स की सप्लाई करते रहना आप टाइम टू टाइम, तो ये हो गया। क्रॉस ऑफर कौन सा हो गया? भाई ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने बी को बोला, ए सोच रहा है बी को, ए ने बोला कि 10,000 का वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार है, ऑफर के लिए ऑफर दे रहा है, और बी बी ए को दे रही है, ये कार है इसके पास, ये कह रहा है कि कार ले लो, मुझे 10,000 रुपये दे दो, ये कार चली जाएगी इस पर्सन के पास और 10,000 पर चले जाएंगे इस पर्सन के पास। ये भी कह रहा है मुझे भाई कार दे दो और 10,000 ले लो, लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। दोनों जब बाद में बैठे साथ में तब पता चला भाई इनके थिंकिंग तो मिलती जुलती थी बिल्कुल। आइडेंटिकल ऑफर मेड बाय टू पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, एक दूसरे का ऑफर उन्हें पता ही नहीं लेकिन सेम है, वो सेम ऑफर है। ए बाय अ लेटर ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी 10,000 का, बाय लेटर विच क्रॉसेस एज लेटर इन द पोस्ट, और ए को पोस्ट में मिला कि वो 10,000 का। तो क्रॉस ऑफर एंड नो बाइंडिंग ऑफर, एक ऐसे ही काउंटर ऑफर होता है, आगे आएगा तो आप लोग समझ लेना। काउंटर ऑफर कौन सा होता है? काउंटर ऑफर का मतलब होता है ए और बी दो पार्टीज हैं, ए और बी दो पार्टीज हैं, ये क्या कह रही हैं? ए कह रही है कि भाई 1,00,000 की कार मुझे बेच दो, और बी कह रहा है नहीं नहीं इतने का नहीं, मैं तो 90,000 का दूंगा। तो वहाँ पे वो जो ऑफर होता है वो कैंसल्ड हो जाता है, क्योंकि ये काउंटर ऑफर की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर ऑफर बोल दिया गया कि ये 1,00,000 की बात कर रहा है, ये 90,000 की बात कर रहा है, लेकिन क्रॉस ऑफर वैलिड ऑफर होता है। यहाँ पे आएगा भी काउंटर ऑफर, देखना यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ ऑफर आता है। चलो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B की बात करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंडीशन उसमें अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर तो ऐसा हुआ, अगर तो बारिश हुई तो मैं आपके घर नहीं आऊँगा, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला है। वैलिड एक्सेप्टेंस, कब मैं मानूँ कि मेरी एक्सेप्टेंस वैलिड है? देखो अभी तक हमने दो सेक्शन की बात की है, 2A, एक और सेक्शन है, ये 2A किसका था? ऑफर का था। ये है 2B, ये है एक्सेप्टेंस का। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है 2H, ये लिखते जाओ साथ साथ, ये आता है कॉन्ट्रैक्ट का। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको एनी हाउ मिस करके नहीं जाना है एग्ज़ाम के अंदर ना। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए जो भी एक्सेप्टेंस है।
एब्सेंट जो एक्सेप्टेंस है उसका मोड प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए कि अगर मान लो मैंने कोरियर के थ्रू आपको ऑफर भेजा है तो कोरियर के थ्रू ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं लाइन टू लाइन आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो इट्स बोरिंग, आप लोग पढ़ लेना पूरा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे दूंगी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर को कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए। ए और बी, ए ने कहा भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए और कार ले जाओ मेरी। ए ने बी को कहा कि मेरा ऑफर है कि मैं कार बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो। तो ए ने कार का सिंपल सिंपल बोल दिया कि ये एक ऑफर दिया। बी ने उसको साफ साफ शब्दों में बोला कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, ये ले लो 10,000 रुपये और ये मेरे को कार मिल गई। तो ये क्या है, ऑफर को कम्युनिकेट किया गया तरीके से और एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट किया गया तरीके से। साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। वही ऑफर वाली बात, मंडे तक अगर आपने यस नहीं बोला मतलब आप यस है, अगर मंडे तक आपने नो नहीं बोला कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में दिलचस्पी नहीं है मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में दिलचस्पी रख रहे हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन टाइम स्टिपुलेटेड और विद इन अ रीजनेबल टाइम, अगर 1 वीक का टाइम है तो आपका ये राइट, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 1 वीक में आप उसको कंप्लीट करके देखो। नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर, अगर ऑफर ही नहीं मिला तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर लोगे, आप बोल दोगे कि मेरे पास ऑफर आया और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अनकम्युनिकेटेड ऑफर को आप एक्सेप्टेंस कैसे मान सकते हो, एक्सेप्टेंस तब तक नहीं होगी जब तक ऑफर को नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इंडिकेट इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस, एक्सेप्टर की एक इंटेंशन होनी चाहिए, फ्रॉड का मेरे मोटिव नहीं होना चाहिए। अभी आप पढ़ोगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसका मोटिव नहीं होना चाहिए। क्या क्या वर्ड्स हैं मैं हम डिस्कस करेंगे आगे जब ये आएंगे। इफ द मतलब उसका क्लियर कट हामी होनी चाहिए, वो तैयार होना चाहिए उस ऑफर को कंप्लीट करने के लिए। इफ इट इज प्रपोजल इज मेड थ्रू एजेंट, अगर एजेंट उसको दे रहा है ऑफर को, इट इज सफिशियंट इफ द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम, वो सफिशियंट होगा अगर एजेंट ने ऑफर दिया है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो भी एक एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल विल मीन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल का मतलब आप सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं। सपोज ऑफर में 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें लिखी हुई हैं और इन 5 चीज़ों को आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये पांचों की पांचों चीज़ें कंडीशंस ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आप उसके लिए रेडी हो। अच्छा यहाँ पे आ जाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, कब ये एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा और कब इसको रिवोक कर दिया जाएगा, रिवोक मीन्स कैंसिलेशन। चलो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4, इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अभी सेक्शन 7 आया था वो भी नहीं है, लेकिन जब आप सेक्शन 2A 2B, ये किसका था ऑफर का, ये किसका है सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस का, अभी एग्रीमेंट का आएगा ठीक है, फिर 2H किसका है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करती जा रही हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट का, ताकि आप लोग के माइंड से स्किप ना करें। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होगा, ए ने बी को प्रपोजल दिया बाय द लेटर टू सेल बी एज अ सर्टेन प्राइस, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर द प्रपोजल इज कम्प्लीट, जैसे ही बी को लेटर मिला वैसे ही उसका कम्युनिकेशन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मान लिया जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मान ली जाएगी, जैसे ही उस एक्सेप्टेंस उस तक पहुंचेगी, ये ए है ये बी है, जैसे ही ए ने ऑफर दिया बी तक पहुंचा, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मान लिया जाएगा। बी ने उसको एक्सेप्ट करके जैसे ही एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचा वैसे ही वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ, एंड एज एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर्स व्हेन इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, ऑफरर की नॉलेज में आ गया कि एक्सेप्टर के पास पहुंच गया तो वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बन गया,
और जैसे ही ऑफरर को ये पता चला कि भाई एक्सेप्टेंस के पास पहुंचा और एक्सेप्टर को ये पता चला कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन को क्या बोलोगे आप? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट। अब कब कब ये रोक सकते हो? मान लो ए और बी, ए ने ऑफर देना है बी को, 2 दिन लगेंगे पोस्ट को पहुंचने में बी के पास, 2 दिन जब तक इसके पास पहुंचा नहीं है, यहीं तक है, यहां तक है, यहां तक है, उसको आप रिवोक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही रिवोक मीन्स मना कर सकते हो, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, अब आपकी रिवोकेशन खत्म, आप रिवोक नहीं कर सकते। ऐसे ही बी, बी ने एक्सेप्टेंस के लिए राजी भरा है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक आप मना कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जैसे ही यहाँ तक पहुंचा, आपकी मना करने की क्षमता खत्म, अब वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। और ये भी माना जाता है कि किस तरीके से उसको, अगर आपने उसके बदले दिया है, क्या कहते हैं, अगर टेलीफोन के थ्रू है तो एक्सेप्टेंस भी टेलीफोन के थ्रू होनी चाहिए, कोरियर के थ्रू है, पोस्ट के थ्रू है, तो उसके ही थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नाउ मोड्स ऑफ रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर, कब, मोड्स क्या क्या हैं? अगर कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन का नोटिस आ गया कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना, तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, आपने 1 वीक का टाइम बोला था, 1 वीक ओवर हो गया, तो ऑफर को आप अपने आप मान लोगे कि ये रिवोक हो गया है। अगर एक्सेप्टर ने कंडीशंस को फुलफिल नहीं माना, तब भी आप मान लोगे कि कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑफर है, वो रिवोक हो चुका है, मनादी हो चुकी है, उसकी डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, ये सब केसेस हो गए, तब भी आप मान लोगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवोक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जो पोस्ट के थ्रू होता है, अभी मैंने जैसे कि बोला, अगर लेटर, टेलीग्राम, जिसके थ्रू होता है, तो ये मान लिया जाता है कि एक्सेप्टेंस का मोड भी वही होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मोड विल बी सिमिलर टू ऑफरर, ऑफर मोड, ऑफर के मोड की तरह ही एक्सेप्टेंस का मोड होना चाहिए। फिर अगर टेलीफोन के थ्रू है, तो टेलीफोन के थ्रू होना चाहिए। अ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वी विल डिस्कस दिस लेक्चर, दिस पॉइंट इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, ओके। तब तक आप लोग इनके नोट्स प्रिपेयर करके रखो, अराउंड 1 मंथ आप लोगों के पास है अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, अभी से नोट्स बनाना शुरू करो। हाँ, मैथ्स के लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, बिजनेस लॉ के लेक्चर्स, मीन्स जितना प्रोवाइड करूँगी उतना कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल, ठीक है, और लेक्चर वीडियो को के कमेंट सेशन में ये ज़रूर मेंशन करो कि आप लोगों को कौन सा लेक्चर वीडियो चाहिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे फीडबैक प्रोवाइड करो ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वर्क कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, एंड बी हैप्पी।